अच्छा, जब भी कभी कोई लड़की और लड़का दोस्त होते तो लोग यही कहते हैं कि भाई इन दोनों में कुछ चल रहा है, या तो एक दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन खैर, आपको क्या लगता है कि खैर एक लड़का और लड़की कभी दोस्त बन सकते हैं? जो भी लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। खैर, आज हम लोग जिस सीरीज के बारे में बात करें, सीरीज का नाम है नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड। ये सीरीज एक नॉवेल पे बेस्ड है जिसका नाम था नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड। खैर, हम लोग इस सीरीज की बात करें, इस सीरीज में एक ऐसे सुपरस्टार है टेलीविजन के, एक ऐसे सुपरस्टार है जिसकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। मैं बात कर रहा हूं नकुल मेहता की। और यहाँ पर हमें लीड एक्ट्रेस में नजर आती है आनिया सिंह। ये दोनों ही दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है और ये वन ऑफ दी बेस्ट 2020 का Z5 पे आने वाला सीरीज है। आज मैं कोई भी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा क्योंकि काफी मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, जो मेरे व्यूवर्स है, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, वो लोग बोलते हैं भाई आप गलती से स्पॉयलर दे दो। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि मेरे मुंह से कोई भी स्पॉयलर ना निकले और मैं नो स्पॉयलर रिव्यू करूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है नकुल मेहता जिसका नाम है यहाँ पे सुमेर और आनिया सिंह जिसका नाम है यहाँ पे तानी। दोनों ही दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ होता है जिसके बाद इनकी दोस्ती टूट जाती है। अब वो क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। खैर, इस सीरीज में आपको पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही देखने को मिलेगा, यानी कि जब प्रेजेंट में वो लोग वापस से मिलते तब हमको पता चलता है कि इनके पास्ट में क्या कुछ होता है जिसकी वजह से ये लोग अलग हो गए थे। खैर, वो क्या कुछ था वो सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। देखिए, कहानी बहुत सिंपल है लेकिन जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया बहुत मजा आता है। और परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई नकुल मेहता और आनिया सिंह का दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगेगा, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी। और इस सीरीज में जो गाने हैं, गाने सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, गाने की लिरिक्स बहुत अच्छी है और इमोशनल सीन्स हो या कॉमेडी सीन्स हो आपको सीरीज में देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो इस सीरीज की जो एक खास बात है वो ये है कि ये सीरीज आज के लोगों को नजर में रखकर बनाई गई है। तो आजकल के जमाने की जो दोस्ती, आजकल का जो प्यार है उस पर बनाई गई सीरीज है। तो इस सीरीज में आपको कुछ अटपटा सा लग सकता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आप ये सीरीज देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। ये काफी मॉडर्न ख्यालात के लड़का लड़की यहाँ पर बताया गया जो कि 80s और 90s के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाले। हाँ, मेरी पर्सनल चॉइस बोलू तो ये सीरीज मुझे बहुत अच्छी लगी और इस सीरीज में बताएगी जो सिचुएशन है मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये सीरीज स्पेशली लड़कियों को बहुत पसंद आने वाली क्योंकि लड़कियां नकुल मेहता की बहुत ज्यादा फैन है और नकुल मेहता ने यहाँ पर इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया कि आपको उसी की वजह से सीरीज देखने में मजा भी आता है। और आनिया सिंह का भी नाम लेना चाहूँ क्योंकि उसने भी तानी का रोल बहुत अच्छे किया। दोनों का रोल आपको बहुत अच्छा लगेगा, दोनों इस सीरीज में छा गया। और मैं तो बोलता कि जो लोग नकुल मेहता को मिस कर रहे थे टेलीविजन पे वो लोग इस सीरीज को जरूर देखना, आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले। तो बस मैं इतना बोलता कि इस सीरीज में मुझे ऐसा पर्सनली कुछ तो नेगेटिव लगा नहीं क्योंकि एपिसोड्स की लड़ाई ज्यादा बड़ी है नहीं, कुछ 23 और 27 मिनट के बीच में ही है। उस पर जितने भी कॉमेडी सीन, जितने इमोशनल सीन और जितने गाने थे दिल जीत लेते, आपका कहीं से भी टाइम वेस्ट होता नहीं। तो इस हफ्ते अगर आपको ये सीरीज देखनी तो आप इजिली देख सकते हो, ये आपको Z5 पे देखने को मिल जाएगी। और हाँ, आप बहुत से लोग पूछते हैं इसका डाउनलोडिंग लिंक है, तो यार पर्सनली डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको यहाँ पर शेयर कर नहीं सकता। तो टेलीग्राम आप लोग डाउनलोड करो, वहां पर आपको कोई ना कोई अपलोड कर ही देता है। तो इस तरीके की सीरीज आप लोग वहां पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो कर लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ हमारे वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो बस इस वीडियो में इतना, एक दुआ में याद रखना। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। जल्द बाय।